वेलकम बैक दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किया कैरेंस के ओनरशिप रिव्यू की। और ये है किया कैरेंस का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आता है प्रेस्टीज वेरिएंट। इसको ऑन करते हैं सुमित कश्यप। तो सुमित कश्यप जी ऑन करते हैं और इन्होंने गाड़ी परचेज करी। सर आपने कब गाड़ी परचेज करी है? हो गया करीब करीब एक महीना हो चुका है। कितने की आपको ऑन रोड पड़ी है? ऑन रोड पड़ी है अप्रोक्स 13 समथिंग की। कुछ एसोसरीज कंपनी से लेनी पड़ी थी क्योंकि मेरे को एक हफ्ते के अंदर डिलीवरी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको एक हफ्ते के अंदर डिलीवरी चाहिए तो कुछ 50,000 रुपये की एसोसरीज वगैरह लेनी पड़ेगी। तो ये दिल्ली के अंदर पड़ी है 13,00,000 रुपये की आपको? 13,30 की। इससे पहले कोई गाड़ी आप यूज़ करते थे? अर्टिगा है मेरे पास, इको है, डिजायर है, वैगनार भी है। तो काफ़ी लंबी लिस्ट रही है भाई के पास गाड़ियों के हिसाब से। तो सर सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने किया कैरेंस ही क्यों परचेज करी? मतलब मार्केट में आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी और उसके बाद इसको चूज़ किया? देखो, किया कैरेंस चूज़ करने का मेरा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। मैंने सबसे पहले अपनी ड्राइवर भी देखी थी, कम बजट में थी, 8,00,000 रुपये में आ रही थी ड्राइवर, लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेकार है। ड्राइवर की स्पेस बहुत कम है, कहीं से कहीं तक इसके आगे मैटर नहीं करती है, अर्टिगा के आगे मैटर नहीं करती है, तो ड्राइवर पर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। दूसरा आ जाओ आप अर्टिगा पर, तो अर्टिगा मेरे पास ऑलरेडी है तो उसको छोड़ के मैं इस पर आया, क्योंकि मेरे को प्रीमियम गाड़ी चाहिए थी थोड़ी सी ताकि कंफर्ट हो सके, इसलिए मैं इस पर शिफ्ट हुआ हूँ। तो प्रीमियम के हिसाब से बात की है तो प्रीमियम XL6 भी आती है? XL6 आती है। XL6 में क्या है, बीच में ना दो सीटें हैं। अब जैसे हमारी फैमिली में 6 के अलावा 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे से, अब बच्चे इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं, तो बीच में जैसे मान लो 2 लोग बैठे हुए हैं और अगर बीच में बच्चा भी बैठना चाहे तो उसमें बैठ सकता है अर्टिगा के अंदर या इसके अंदर, लेकिन XL6 में नहीं बैठ सकता। XL6 में आप 3 बंदे बैठाने चाहो तो नहीं बैठा सकते, एक ऑप्शन तो हमारे पास होना चाहिए ना। तो आपने कहा कि आपके पास अर्टिगा पहले से थी, उसको आपने सेल कर दिया या फिर अभी है? नहीं, अर्टिगा मैंने सेल कर दी, तभी तो इस पर शिफ्ट हुआ हूँ। अर्टिगा सेल करके आप जो है इस पर शिफ्ट हुआ है, तो कोई खास रीज़न है इस पर शिफ्ट होने का? खास रीज़न यही है कि मेरे को थोड़ी प्रीमियम गाड़ी चाहिए थी, लग्जरी चाहिए थी, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी लग्जरी है, काफ़ी अच्छे इसमें आपको फीचर्स मिल जाएंगे, तो यही बेसिक रीज़न था बस। और दूसरा आपको स्पेस मिल जाए? स्पेस मिल जाए, और मतलब थोड़ी सी मैंने वो ज़्यादा चला दी थी गाड़ी, मतलब 1.25 लाख किलोमीटर चला दी थी, तो थोड़ा सा वो बेचना बनता भी था। तो अर्टिगा आपके पास पेट्रोल वाली थी या सीएनजी वाली? सीएनजी वाली। सीएनजी वाली। तो अब आपने ये वाली गाड़ी यूज़ कर रहे हो, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। 1 महीना हो गया। इसमें आता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, तो इसमें एक टर्बो इंजन भी आता है, तो आपने टर्बो इंजन लेने की नहीं सोची? टर्बो इंजन इसलिए नहीं लिया टर्बो में, क्योंकि देखो पावर ज़्यादा है उसके अंदर टर्बो के अंदर, ऑब्वियसली बात है पावरफुल इंजन है, तो मेरे को ज़्यादा नीड नहीं है पावरफुल इंजन की, और उसके सीधा सीधा 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे को जब इसी में सब कुछ जब मिल काम रहा है, चल रहा है, तो आप इसको क्या जरूरत है लेने की? तो ये इंजन जो आप यूज़ कर रहे हो, तो इसको यूज़ करने में आपको कमी लगती है कहीं पर? नहीं, कि नहीं। मतलब यार इंजन थोड़ा लो पावर का रह जाता है? नहीं, लो पावर का देखो ऐसा नहीं है कि लो पावर का रहता है, मैंने वो भी गाड़ी चलाई है ना, लेकिन ये गाड़ी भी ओके, ज़्यादा कोई फर्क नज़र नहीं आएगा आपको। ये कि वो इनिशियल जो टॉर्क होता है उसका एकदम से बहुत ज़्यादा होता है, इतनी कोई खास नीड ही नहीं है उसकी, उस चीज़ की। वो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। हाँ, मेरे को तो नहीं है नीड उस चीज़ की। अच्छा, एक कंपैरिजन आता है अर्टिगा और एक्सेल इसके बीच, किया कैरेंस के बीच में, वो है माइलेज का बहुत बड़ा डिफरेंस कहते हैं, जो आपने क्या फील किया? देखो, अगर आपने मेरी वीडियो एक नहीं देखी हो तो माइलेज वाली भाई वो डिस्क्रिप्शन डाल देंगे है ना, या आप मेरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। माइलेज मैंने पूरा इसका डिटेल में 100 किलोमीटर में इसका गंगा लेके गया था गढ़मुक्तेश्वर, ये वाली किया कैरेंस जब मैंने नई गाड़ी ली थी, तो 17.2 का एवरेज दे रही थी ये स्टार्टिंग के अंदर ही, और अभी तो इसका माइलेज और सारा बढ़ेगा, और मैंने और भी मतलब देखा था लोग 20-21 की भी एवरेज निकाले थे, क्योंकि जैसे मैं चला रहा था, मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने इसकी 17-18 की एवरेज निकाल ली स्टार्टिंग में। तो 17-18 ही अपनी हाईवे की हो गई, एक तरीके की हाईवे की हो गई। तो सिटी में अभी तक कितना आपको एवरेज दे रही है? सिटी में दे देती है 12 की एवरेज। 12 की एवरेज। और अर्टिगा से कंपेयर करें, अर्टिगा सीएनजी में आप चला रहे थे, हाँ, तो उसकी एवरेज क्या आ रही थी? अर्टिगा की देखो एवरेज तो झूठ नहीं बोलूँगा, अर्टिगा की एवरेज ज़्यादा अच्छी थी इससे, लेकिन सीएनजी पे थी ऑब्वियसली बात है, तो ज़्यादा एवरेज होगी होगी उसकी। सीएनजी पे तो खैर डबल सा मामला हो जाता है। एक बार अगर मैं सीएनजी फुल कराता था तो 650-650 रुपये की, तो वो अप्रोक्स 200 किलोमीटर चल जाती थी। अच्छा, अभी ये गाड़ी आपने जो ली है, तो इसका खास पर्पज़ कहाँ पे चलाने का है? दिल्ली के अंदर चलाओगे या फिर हाईवे पे ज़्यादा? नहीं नहीं, इसको अब खास पर्पज़ है जैसे फैमिली वगैरह है, तो फैमिली इसके अंदर अच्छे से आ जाए पूरी मेरी, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी फैमिली है 6 बंदों की, 6 बंदे कंफर्टेबल होकर बैठ जाएँ, और प्लस मेरे को भी जैसे घूमने का शौक है, ट्रैवलिंग वगैरह करता रहता हूँ, तो कहीं जाएंगे तो अब इससे जाएंगे, नेक्स्ट ट्रिप देखते हैं कहाँ की बनती है। तो ट्रैवलिंग वगैरह के अलावा अगर आप दिल्ली में चलाते हो इसको, जैसे कि अभी हम ट्रैफिक में से निकल करके आए, तो इसको चलाना कितना आसान है अर्टिगा के मुकाबले या फिर थोड़ा हार्ड रह जाता है?
मतलब मैनोवर की बात है कि अब दिल्ली में तो ना ट्रैफिक रहता है, यहाँ से देखोगे तो वहाँ से गाड़ी घुस रही है, उधर से गाड़ी घुस, उस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि लंबी गाड़ी है। उस हिसाब से तो देखो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट भी क्या है, अगर आपको देखो प्रैक्टिस हो जाए इस चीज़ की तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। बट ये है कि अर्टिगा ऐसा लगता था जैसे आप डिजायर चला रहे हो, स्विफ्ट डिजायर, वो उसका जो ज़्यादा बड़ी नहीं है अर्टिगा, वो सिर्फ आप ऐसा लोग ऐसा लगेगा जैसे आप डिजायर को ऐसे ऐसे करके निकाल रहे हो ना, वो आसानी से कट जाती थी, और ये थोड़ी सी उससे बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है थोड़ा इसमें। सा फर्क आता है, मतलब कि अर्टिगा जो है इससे बेहतरीन तरीके से मैनेवर हो जाती है, बस हाँ सिटी में चलाने के लिए बेसिकली। सिटी के अंदर चलाने के लिए अर्टिगा ज़्यादा बेटर है इससे, बाकी हाईवे पे आप चला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये ज़्यादा बेटर है। अभी तक मैक्सिमम स्पीड आपने इससे कितनी कवर करी है? अभी तक मैक्सिमम मैंने 120 चलाई है इसे, 120 पे आप लेकर गए अर्टिगा हो। को तो 165 पे भी चला लिया था, अच्छा, तो क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस बताइए कि इसको चलाने का किस तरीके का स्टेबिलिटी वगैरह थी, और अर्टिगा को चलाने की स्टेबिलिटी कैसी थी? अर्टिगा की स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते कि इसकी ज़्यादा अच्छी है अर्टिगा की ज़्यादा अच्छी है। सस्पेंशन भी उसका बहुत ज़बरदस्त है अर्टिगा का भी, ऐसी बात नहीं है, और इसका भी अच्छा है, और वो भी मतलब 120 पे पता नहीं लगती थी गाड़ी ज़्यादा, ये भी 120 के बाद थोड़ा सा मतलब हो रहा था इसमें फील, लेकिन अर्टिगा में ज़्यादा बेटर था। बाकी सर सस्पेंशंस वगैरह के बारे में क्या कहना चाहोगे? कभी 6 लोग बिठाए हैं गाड़ी के अंदर? हाँ, 6 लोग पूरी फैमिली बैठी है मेरी, हम अभी गए थे घूमने के लिए, तो सस्पेंशन तो देखो मैंने अपनी फैमिली से भी फीडबैक लिया, क्योंकि वो मेरी फैमिली उसके अंदर भी बैठी है अर्टिगा के अंदर भी, सब बैठ के जाते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा ना पीछे वालों को ज़्यादा गड्ढे फील होते हैं, इसके अंदर नहीं हो रहे हैं, और जैसे पीछे 2 लोग बैठते हैं तो इसके अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठ पा रहे थे अकॉर्डिंग टू अर्टिगा। मतलब ये थोड़ी सी चौड़ी और लंबी होने की वजह से, और वो इसका पीछे इवन जो थर्ड बंदे रो जो बैठे है थे, वो थर्ड रो इसका बैठे काफ़ी हुए, अच्छा है, थर्ड रो में जो 2 लोग बैठे हुए थे मेरी फैमिली के, तो वो खुद कह रहे थे कि मतलब इसके अंदर ज़्यादा मतलब स्पेस कंफर्ट है। होके बैठे हुए हैं। वो तो किया ने भी क्लेम किया हुआ है कि इसके जो थर्ड रो है वो सबसे ज़्यादा स्पेसियस है। हाँ, और लेकिन अगर आप आगे की बात करो ना, अगर ड्राइविंग सीट की बात करो, तो जब आप चलाओगे ना गाड़ी 120 130 150 तक ले जाओगे, मैं इसे लेके नहीं गया, लेकिन अर्टिगा बहुत ज़बरदस्त थी इस 120 मामले में पे, तो अगर कंपेयर करूँ 120 वो भी ये भी, तो अर्टिगा ज़्यादा बेटर है। अच्छा एक पॉइंट आता है सेफ्टी का, क्योंकि मारुति को भी कहा जाता है और किया को भी कहा जाता है। देखो इस चीज़ में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अर्टिगा जो है देखो पुरानी ही भेड़ चाली चल रही है, उसमें सिर्फ 2 ही एयरबैग आ रहे हैं, जो सबसे मतलब माइनस पॉइंट है उसका, इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। तो और बाकी आपको क्वालिटी वाइज कैसा लगा कि मतलब कहीं अर्टिगा में जिस तरीके से आपने, क्योंकि अभी ये जो वीडियो हो गया है जनरली अर्टिगा वर्सेस किया कैरेंस हो गया है तो सही यही कह कर रहे हो। पूछते हैं कि अर्टिगा का जो अपना फिनिशिंग और फिटमेंट था, मतलब प्लास्टिक क्वालिटी की बात कर लो चाहे इंटीरियर की बात कर लो, उसके मुकाबले इसमें आपको कैसा देखो मैं लगता है? आपको एक किस्सा बताऊंगा, मैं ना शिमला में था, तो आगे गाड़ी थी कोई क्विड, क्विड की कोई एक दूसरी गाड़ी, ड्राइवर शायद, अच्छा ड्राइवर ड्राइवर है, ड्राइवर गाड़ी सेवन है, सीटर। हाँ 7 सीटर, तो वो पहाड़ पे थी, तो मेरी ऐसे गाड़ी स्पीड में आई, मेरी गाड़ी होगी पहाड़ पे करीब करीब 50 की स्पीड पे, तो वो एकदम से रुकी हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरी आगे से सीधा गाड़ी उसकी लगी, उसके पीछे से गाड़ी पूरी ख़त्म हो गई थी, है ना, ड्राइवर ड्राइवर, और मेरी अर्टिगा के अंदर बोनट हल्का सा बस बैंड हुआ था, और और ड्राइवर वो जो है बोन वो एन कैप और में 4 स्टार रेटेड है। हाँ, और जो बम्पर था ना मेरे अर्टिगा का, वो बिल्कुल सही सलामत था, स्क्रैच भी नहीं आया था। अर्टिगा की मतलब बात करूँ उसकी जो बिल्ड क्वालिटी की, तो एक नहीं 2 एक्सीडेंट हुए थे मेरे, है ना, एक लेफ्ट साइड से भी हुआ था पहाड़ का, तो पूरा गेट लेफ्ट में पहाड़ में घुस गया था, वो भी शिमला की बात है, जब सेकंड टाइम शिमला गया था मैं उसको लेके, तो अंदर तक कुछ भी नहीं हुआ था, जो मेरे दोस्त वगैरह बैठे हुए थे इधर उधर, साइड इम्पैक्ट हाँ वो सिर्फ भारी भार आया था, और बहुत तगड़ा इम्पैक्ट हुआ था पहाड़ पे, पूरी घुस गई थी गाड़ी, और अंदर बैठे को कुछ नहीं हुआ था, और उसके बाद भी हम चला के अच्छे से दिल्ली ले आए थे गाड़ी, वो जब किसान विसान बैठे हुए थे तब की बात है, वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे भी बाद में, तो भाई का चैनल है किस नाम से भैया? डेस्टिनेशन एनीवेयर 2.0। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो आप इनका चैनल सब्सक्राइब जरूर से करें। तो सर अभी बहुत सारी हमने बातें कर ली अर्टिगा वर्सेस किया कैरेंस, अब बात करते हैं इस वाली गाड़ी की, कि इस गाड़ी की अभी तक जितना आपने गाड़ी को चला लिया है इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको क्या क्या लगे हैं? अगर बात करो पॉजिटिव पॉइंट की, तो पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि जब आप इसकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठोगे, तो आगे का जैसे आपको बोनट इसका अच्छे से दिख प्रॉपर जाएगा, विजिबल रहता है। प्रॉपर तो विजिबल आपकी हाइट रहेगा, क्या है? मेरी हाइट 5'8" है, जो सीटिंग की पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी सेट की हुई है। मैंने यहाँ भी बैठ के देखा है बीच वाली सीट पे, तो जो हाइट है मेरी 5'8" है, तो काफ़ी मतलब अच्छा मिल जाता है, और लेग रूम भी इसका काफ़ी अच्छा है अर्टिगा के अकॉर्डिंग, अर्टिगा में अगर आप पीछे बैठते हो, अगर मैं जैसे अगर अपनी ड्राइविंग सीट एडजस्ट कर लूँ पीछे बैठते हो, तो मेरा जो लेग स्पेस है वो थोड़ा सा कम रहता था, इसमें ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा है, थोड़ी लंबी है, इसका व्हील बेस वगैरह ज़्यादा हाँ, है उसके मुकाबले और में। अगर आप किसी अगर जैसे सिटी, जैसे अपने पिछला क्वेश्चन था सिटी में से निकालोगे ना, तो ये थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा है इसकी, तो वहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी थोड़ी सी, थोड़ी सी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है वो तो सिटी में आप थोड़ा सा ध्यान से लेकिन लेके अगर चलना आपको पड़ेगा। प्रैक्टिस हो
बड़ी गाड़ी चलाने की, जैसे एक्सयूवी वगैरह चलाते हो, स्कॉर्पियो वगैरह चलाते हो, तो ये कुछ भी नहीं है उसके। बाकी और इसमें कुछ खास है नहीं, क्योंकि एसी आपको पीछे तक, तीन रो तक आपको एसी मिल जाएंगे इसमें, सेकंड रो में भी है, थर्ड रो में भी आपको इसमें एसी मिल जाएगा। और चार्जिंग पोर्ट आपको पीछे सबसे पीछे मिल जाएगा, बीच में भी दो दो मिल जाएंगे। चार्जिंग की भी कमी नहीं है कहीं से कहीं तक। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। तो ऑलमोस्ट मैं आपको कहूँगा कोई भी दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में, प्रेस्टीज में आप अगर कंपैरिजन करो तो। और नेगेटिव अभी तक आपको कुछ भी मिले हो छोटे बड़े? नेगेटिव पॉइंट इसका एक तो ये है, आप इसकी आप टेल गेट जब ओपन करोगे डिग्गी, तो आप बंद करोगे तो वो आपको ना एक तरीके से बहुत चीप वाला फील देगा। जब आप बंद करोगे ना डिग्गी, तो आपको तेज की मारनी पड़ेगी और आवाज़ करेगी वो जैसे। और इसके गेट वगैरह, गेट वगैरह आप खोलोगे जब बंद करोगे तो एक बार में बंद नहीं होते, मतलब जोर से आपको धक्का देना पड़ेगा, जोर से आपको मतलब बंद करना पड़ेगा, तब जाके गेट बंद होंगे। और चारों ही गेटों में इसमें अर्टिगा का क्या था, एकदम से बंद कर लो, बंद हो जाते थे, हल्का सा छोड़ोगे तब भी आराम से प्यार से बंद होता था। इसमें आपको तेज की मारना पड़ेगा, डिग्गी में भी यही सिस्टम है, आपको तेज की बंद करनी पड़ेगी इसकी डिग्गी भी। मतलब हैवीनेस नहीं है उस तरीके की जिस तरीके की होनी चाहिए, जिस तरीके की होनी चाहिए। और इसका आर्म रेस्ट जो है वो भी मतलब आगे स्लाइड नहीं होता, अर्टिगा वाले तो देते ही नहीं है, खैर मारुति वाले। अर्टिगा का आपका VXI वेरिएंट होगा, उसमें आर्म रेस्ट आता ही नहीं है, आर्म रेस्ट आता ही नहीं है। तो लाइट वगैरह की बात कर लेते हैं, रात में कभी गाड़ी को ड्राइव किया है आपने? रात में ड्राइव करा है, इसकी लाइट जो है लाइट काफ़ी कम है अगर अर्टिगा के अकॉर्डिंग। अर्टिगा की लाइट बहुत दूर तक जाती थी, थ्रो उसका बहुत अच्छा था, प्रोजेक्टर आते थे उसमें। हाँ, इसके अंदर सिर्फ आपको बल्ब वल्ब मिल जाते हैं, 100 वाट का बल्ब होता है एक्टिवा में, जैसे लाइटें मिलती हैं उस टाइप की लाइटें मिल जाएंगी। तो ये लगता है आपको कि इतना काबिल है कि आपको हेल्प करेगा कभी हाईवे वगैरह गाड़ी चलानी? नहीं, वो तो आपको चेंज कराने पड़ेंगे, वो आपको LED HID लगवानी पड़ेंगे बाहर से, अगर आपको फॉग वगैरह में, ठंड वगैरह में बाहर निकलना है। बाकी ठीक है, इतना कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा भी नहीं है इसका। मतलब अगर मैं बेसिक सी बात करूं कि अगर आपको सिटी में ज्यादा चलना है, यहाँ लाइटें स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी होती हैं, तो काम चल सकता सिटी है के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर हाईवे पे जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे उसका थ्रो जो है वो बिल्कुल, हाईवे पे और माउंटेन वगैरह, हिल्स वगैरह पे जाओगे तो वहाँ भी आपको मतलब दिक्कत होगी, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी।